वेलकम बैक पकड़ियोस। आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ एक और नई अमेजिंग थ्योरी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हर रीजन से बेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन कौन है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो आएगी, और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ यार, इतना अच्छा मैं कंटेंट डाल रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और इस महीने यार 700 हिट करवा दो यार, कोई बड़ा टारगेट नहीं 700। चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, कांटो। गाइस कांटो का सबसे ताकतवर लेजेंडरी पोकेमोन है म्यूटू। गाइस म्यूटू के बारे में मुझे लगता है बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि म्यूटू को तुम लोगों ने जानते ही होंगे, ये काफ़ी ताकतवर पोकेमोन है और इसके पास एबिलिटीज भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं। और ये एक साइकिक टाइप पोकेमोन है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। तो बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ, जोटो। जेन 2 में सबसे ताकतवर पोकेमोन होगा। तुम लोगों ने हो को पोकेमोन गेम्स जैसे कि हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर में यूज़ किया होगा, और अगर नहीं किया तो एक बार इसे कभी ट्राई करना। काफ़ी अच्छे पोकेमोन है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है इसकी। बढ़ते हैं अगले पोकेमोन की तरफ, जो कि है रकवाजा। रकवाजा है जेन 3 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन, यानी हो ही इनका। रकवाजा तो सेवियर ऑफ द अर्थ है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि इसने क्या क्या किया है, लेकिन तभी स्मॉल एक्सप्लेनेशन। इसने काइगर और रोंडन की बैटल रुकी थी। जेन 4 में सबसे ताकतवर पोकेमोन है डियाल्गा। डियाल्गा को आरसीएस ने बनाया था और म्यूटू को बनाया था पोकेमोन के मेन विलन जियोवानी ने कांटो सीरीज में। मुझे लगता है डियाल्गा काफ़ी ताकतवर है, लेकिन म्यूटू और उसका टाई होगा। बढ़ते हैं जेन 5 की तरफ। जेन 5 में सबसे ताकतवर पोकेमोन है रेशिराम। गाइस रेशिराम काफ़ी ताकतवर पोकेमोन है, इसका लुक भी मुझे काफ़ी पसंद है, और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन में से एक भी है। तुम लोग समझ ही सकते हो कि कितना पावरफुल पोकेमोन है ये। बढ़ते हैं जेन 6 की तरफ, जो कि है कांटो कहने वाला था। इसका सबसे ताकतवर पोकेमोन है जर्नियस। हाँ गाइस जर्नियस काफ़ी बढ़िया पोकेमोन है। इसका लुक मुझे काफ़ी खास तो पसंद नहीं है, लेकिन इसकी पावर्स काफ़ी अच्छी हैं। जेन 7 पर जो पोकेमोन है सबसे ताकतवर वो है नेक्रोजमा। गाइस नेक्रोजमा के पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूव है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक तो इसका ये ब्लैक कलर और इसकी छोटी छोटी आँखें काफ़ी सही लगती हैं। बात करते हैं गलार रीजन की जेन 8 की, यानी तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंडरी पोकेमोन का नाम है एटरनेटस। गाइस एटरनेटस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे लगता बताने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग एटरनेटस को जानते ही होगे। तो हाँ गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे तुम लोगों को ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। कभी ट्यूटोरियल्स, कभी कोई बैकग्राउंड या कोई हेल्पफुल वीडियो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।